नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज खबरों के लेंस में सबसे पहले कौन सी बड़ी खबरें हैं उसके बारे में जल्दी से आपको दे देते हैं जानकारी। देश को कल नए साल के पहले दिन पहली कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट मिला था, आज देश को स्वदेशी वैक्सीन का तोहफा भी मिल गया है। एक्सपर्ट पैनल ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। कोवैक्सीन 100% शुद्ध स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही वैक्सीनेशन की डेट का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन से पहले आज देश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। असली वैक्सीनेशन से पहले आप इसे महारिहर्सल कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन के अलावा इस ड्राई रन में बाकी सब कुछ असली था, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इन सबके बीच सबके मन में एक सवाल ये भी कि क्या वैक्सीन सबको मुफ्त में लगाई जाएगी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि पहले फेज में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। आगे का फैसला बाद में किया जाएगा, यानी अभी मुफ्त की वैक्सीन पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके बाद हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक ट्रैक्टर रिपोर्ट दिखाएंगे। 4 जनवरी को सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपना रुख कड़ा कर लिया है। मैंने हरियाणा के भिवानी में आंदोलनकारी किसानों के एक गांव में जाकर ट्रैक्टर से सफर तय किया और वहां किसानों के मन की बात को जानने और समझने की कोशिश की है। ये विशेष रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। कोरोना वैक्सीन की एक्सपर्ट कमेटी ने भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। क्लिनिकल ट्रायल मोड में अतिरिक्त सावधानियों के साथ हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के बाद भारत में ये दूसरी वैक्सीन है जिसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन दोनों को अभी भी भारत में DGCI की मंजूरी मिलनी बाकी है। 2 दिनों तक एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में अहमदाबाद के कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन के 3rd फेज ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। तो नए साल की शुरुआत में ही ये दोनों अच्छी खबरें सामने आई। फिलहाल कोरोना के जिस स्वदेशी टीके की मंजूरी एक्सपर्ट कमेटी से मिली है, उसको वैक्सीन को भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। पिछले साल नवंबर में कोवैक्सीन के 3rd चरण के ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को इजाजत मिली थी। 7 दिसंबर को भारत बायोटेक ने आपात स्थिति में वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। आज एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक के जिस वैक्सीन को मंजूरी दी है, उसे मेडिकल की भाषा में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। इस तरह की वैक्सीन में वायरस के जेनेटिक मटेरियल को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे ये दोबारा ना पनपे। इस तरह की वैक्सीन बेहद सुरक्षित मानी जाती है, यहां तक कि बीमार व्यक्तियों के लिए भी इस तरह की वैक्सीन सुरक्षित होती है। हालांकि इस तरह की वैक्सीन का एक कमजोर पक्ष यह है कि इससे वायरस से इम्यूनिटी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, इसीलिए ऐसी वैक्सीन के बूस्टर डोज लेने पड़ते हैं। तो फिलहाल आज ये अच्छी खबर सामने आई और यकीनन अब उम्मीदें इसी के साथ और ज्यादा बढ़ जा रही हैं कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसकी जल्द से जल्द शुरुआत हो पाए। इस खबर पर लगातार मिलन शर्मा हमारी सहयोगी नजर बनाई हुई थी। मिलन, अब जब ये खबर सामने आ चुकी है, देश में एक अलग ही तरह की खुशी का माहौल और जश्न देखा जा रहा है। पहले और दूसरे दिन दोनों ही दिन गुड न्यूज सामने आई। आधिकारिक ऐलान इसका कब किया जाएगा और इसको लेकर अब आगे सरकार कैसे बढ़ेगी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कब की जाएगी, विस्तार से मैं चाहूंगी इस वैक्सीन के बारे में भी पहले आप जानकारी दें। देखिए चित्रा, ये वाकई में एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। लगातार पिछले 2 दिनों से नए साल में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी का पैनल इस पर संज्ञान लेता रहा है। पहले उन्होंने कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए रेकमेंड किया और आज दूसरे दिन जब मीटिंग हुई तो उन्होंने SEC पैनल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी ये इमरजेंसी अप्रूवल दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि SEC पैनल ने कहा है कि पब्लिक
इंटरेस्ट को देखते हुए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं यूके का कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी आ चुका है, म्यूटेंट स्ट्रेन, सो उसको देखकर भी यहाँ पर जो है दो वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी भारत को। हालांकि कोविशील्ड अपनी तरफ से 50 मिलियन से ऊपर डोजेस बना चुकी है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए इतनी ज्यादा वैक्सीन की हमें जरूरत है। और इसको देखकर एसईसी पैनल ने अब ड्रग कंट्रोलर से कहा है कि आप इन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे। ध्यान रखना होगा कि मार्केट में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होंगी अभी चित्रा, ये वैक्सीन सरकार प्रोक्योर करेगी और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो कुछ ही दिनों में चित्रा, आज ड्राई रन भी हुआ था और काफी स्टेट्स में ये सक्सेसफुली किया गया, कुछ ही दिनों में अब हम इसका औपचारिक जो है अनाउंसमेंट देखेंगे और बस कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि वैक्सीन की जो प्रक्रिया है भारत में वो शुरू हो जाएगी। भारत उन देशों की लिस्ट में आ जाएगा जो अब लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मिलन शर्मा इस जानकारी के लिए। और जो उम्मीद आपने जताई है, उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि जिस तरह से नए साल का आगाज हुआ है, बहुत जल्द जो वैक्सीन है उसकी पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो, वैक्सीनेशन शुरू किया जाए ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। फिलहाल आपने अंग्रेजी में एक कहावत जरूर सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिंदी में इस कहावत का अर्थ यह है कि अभ्यास करने से इंसान किसी काम को करने में महारत हासिल कर लेता है। ऐसा ही एक अभ्यास आज पूरे देश ने किया है, कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन को सफलतापूर्वक पूरा करके। देश के लगभग 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अचुनिंदा सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ये ड्राई रन सभी राज्यों की राजधानियों के अलावा प्रमुख बड़े शहरों में भी किया गया, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा गया, जिनमें वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टोरेज और लोगों को वैक्सीन लगाने की ठीक वैसी ही प्रक्रिया अपनाई गई जो प्रक्रिया असली वैक्सीनेशन के लिए तय की गई है। इस ड्राई रन में सिर्फ वैक्सीन नकली थी, बाकी सब कुछ असली था। इसमें 125 जिलों के 260 से ज्यादा सेंटर शामिल थे। हर सेंटर में 25 लोगों को वैक्सीन की डमी डोज लगाई गई। ये एक तरह से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले फाइनल रिहर्सल थी, जिसके बाद अब जल्द ही असली वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। ये ड्राई रन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि देश को एक नहीं बल्कि दो दो कोरोना वैक्सीन मिल गई है, जिनके नाम है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, और अब जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन की डेट का भी ऐलान हो सकता है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, इसका अंदाजा आपको ड्राई रन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर जरूर हो जाएगा। वैक्सीन के आने से पहले पूरे देश में ड्राई रन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से वॉलंटियर्स बैठाए गए हैं। इस डेस्क पर आने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 यहाँ डायरेक्ट करेंगे। स्कूल को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। ये यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है और ये पूरा वार्ड यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 125 जिलों के 260 सेंटर्स पर ये कोरोना के खिलाफ फाइनल वॉर प्रैक्टिस की तस्वीरें हैं। जिसका रिव्यू खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल जाकर किया, जिसे ड्राई रन के लिए चुना गया था। इस ड्राई रन में सिर्फ वैक्सीन की डोज डमी यानी नकली थी, बाकी सब कुछ असली था, ठीक वैसा जैसे असली वैक्सीनेशन के दौरान होना है। चार स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। ड्राई रन की प्रोसेस में वैक्सीनेशन के मुख्य तौर पर 5 चरणों को शामिल किया गया। पहला, बेनिफिशियरी यानी जिन लोगों को डमी वैक्सीन लगाई जानी है उनको जानकारी देकर सेंटर पर बुलाना। दूसरा, सेंटर पर बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना। तीसरा,
वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल यानी डमी वैक्सीन लगाना। चौथा, वैक्सीनेशन की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करना। और पांचवा, वैक्सीन देने के बाद बेनिफिशियरी का ऑब्जर्वेशन। हम आपको अब तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए हेल्थ केयर वर्कर यहाँ पहुंच चुके हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और क्या प्रक्रिया है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जैसे ही यहाँ पहुंची, ये देखिए हम उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। विनीता यहाँ पर ये चेक कर रही हैं कि लिस्ट में विनीता का नाम है या नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी कार्रवाई है, ये देखिए सिरिंज यहाँ पर निकाल ली गई है कुछ इस तरह से। और सिरिंज निकालने के बाद यहाँ पर अब वैक्सीन जिसमें रखी हुई है बॉक्स में, यहाँ से वैक्सीन, ये देखिए ये वैक्सीन यहाँ पर निकाल ली है इन्होंने कुछ इस अंदाज में। हम आपको लाइव ड्राई रन की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए। और ये वैक्सीन जो है यहाँ हेल्थ केयर वर्कर को लाइव इस वक्त दी जा रही है, और ये इसके बाद यहाँ पर इन्हें समझाया जा रहा है। इसके बाद हल्का सा स्वेलिंग और दर्द हो सकता है। आपको आधा घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है। कोई भी दिक्कत हो ऑलरेडी वहाँ स्टाफ फोटो ले लेना, आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी अगला टीकाकरण की तिथि और स्थल आपको SMS द्वारा प्राप्त किया जाएगा, और उसमें आप उसी दिन जाकर लगवा लीजिए। दिल्ली में 3 जगह, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 जगह, बिहार में पटना, बेतिया और जमुई में 3 जगह, जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में 9 जगह, मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 सेंटर्स पर, महाराष्ट्र के 4 शहरों में 3-3 सेंटर्स पर, और राजस्थान के जयपुर समेत 7 जिलों में ये ड्राई रन आयोजित किया गया, जिसका मकसद था असली वैक्सीनेशन से पहले जरूरी इंतजामों को परखना और असली वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली संभावित कमियों को पहचान कर दूर करना। डॉक्टर तिवारी, आप पहले बेनिफिशियरी हम दिखा दें, आपका कार्ड आपके पास में। इन्होंने अभी पहला इनका टोकन था ड्राई रन में, इनको यहाँ पे पहले बेनिफिशियरी है, इनका कार्ड बनाया गया है, और इस तरीके से ही कुल 25 जो लोग हैं उनको यहाँ पे आज इस ड्राई रन के तहत जोड़ा गया है। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ड्राई रन की, तो कितनी आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, और अब जब ये टीकाकरण शुरू होगा तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? देखिए, ये आज जो ड्राई रन था इसका मकसद यही था कि जो चैलेंजेस आते उस दिन एक्चुअल में वो प्रिवेंट हो सकें। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम टाइम में ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाए, एक दूसरा वैक्सीन वेस्टेज ना हो, क्योंकि अगर वो हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वैक्सीन वेस्टेज होगी। ड्राई रन में जिन लोगों को डमी वैक्सीन लगाई गई वो सभी हेल्थ वर्कर्स ही थे, जिन्हें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले फेज में सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। ड्राई रन के दौरान हर सेंटर पर 25 लोगों को डमी वैक्सीन दी गई। पूरे प्रोसेस के लिए हर सेंटर पर 3 कमरे बनाए गए थे। पहला कमरा बेनिफिशियरी की वेटिंग के लिए था, जहां उनकी पूरी जानकारी का डेमो मिलान हुआ। दूसरे कमरे में वैक्सीन रखी गई थी, वहीं वैक्सीन देने का ट्रायल हुआ, और फिर तीसरे कमरे में वैक्सीन लगवाने वाले को 30 मिनट रखा गया ताकि उसे कोई परेशानी होने पर इलाज दिया जा सके। और इस तरह देश के हर वैक्सीन सेंटर पर ड्राई रन को पूरा किया गया। यहाँ पर जयपुर में जेके लोन अस्पताल में COVID-19 का टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर ड्राई रन किया जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ जयपुर में भी भारत सरकार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम ड्राई रन कर चला रहे हैं। जयपुर में 6 जगह पर हमारा ड्राई रन चल रहा है। ये आपने गोल बना रखा है खड़ा होने के लिए, ये लोगों को हमने जो हमारे वॉलंटियर जो भी आएंगे इसके जिनको वैक्सीन किया जाना है उन लोगों के लिए भी डिस्टेंस पूरी करने के लिए हमने यहाँ पे गोले बनाए हुए हैं। इस वक्त हम पटना के फुलवारी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है, जहाँ पर आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, और जो कुछ लोग हैं जो आशा कर्मी है जो स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनका नाम रजिस्टर कराया गया है इस ड्राई रन के लिए। आज हुआ ड्राई रन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अपनी पहली कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है, और अब किसी भी वक्त असली वैक्सीन के साथ कोरोना के खिलाफ फुल एंड फाइनल रन की शुरुआत हो सकती है, जिसकी तैयारियों के टेस्ट में देश अच्छे नंबरों से पास हुआ। आज तक ब्यूरो। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्राई रन तो हो गया, अब आगे क्या होगा?
तो आपको इसके बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। ड्राई रन को लेकर हर सेंटर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसका रिव्यू स्टेट लेवल पर बनी टास्क फोर्स करेगी। ये रिव्यू रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएगी। स्टेट लेवल पर बनी टास्क फोर्स रिपोर्ट रिव्यू करेंगी। हम आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं कि ड्राई रन के बाद आगे क्या होगा। रिव्यू रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके बाद भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जरूरत हुई तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के प्लान में बदलाव किया जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मौजूदा प्लान के हिसाब से वैक्सीनेशन प्लान फाइनल होगा। यानी कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग से पहले भारत ने अपनी तैयारियों को परखा है। अब अगला लक्ष्य वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करना है, जिसकी तैयारी भी लगभग फाइनल हो चुकी है। अब हम आपको दिल्ली के उस वैक्सीनेशन सेंटर में लेकर चलते हैं, जहां वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होनी है। वहां की तैयारियों का जायजा लिया है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। देखिए, एक तरफ समूचे देश में ड्राई रन चल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और दूसरी तरफ दिल्ली में जो वैक्सीन सेंटर है उसमें कोविड 19 के पहले वैक्सीन सेंटर का यहां पर उद्घाटन हुआ है। ये दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित मेटर्निटी होम हुआ करता है, लेकिन अब ये अपना किरदार बदल रहा है। कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से कोरोना के समय में सारे लोगों ने अपना किरदार बदला है, वैसे ही। तो इस बदले हुए किरदार के साथ क्या अलग होने वाला है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहली जगह होगी जहां पर कोई भी व्यक्ति जिसे वैक्सीन लगना है वो आएगा। यहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं। एक सत्र में, एक दिन के भीतर, एक दिन में जब वैक्सीनेशन होनी है तो लगभग 100 लोग यहां पर आने वाले हैं और अपनी बारी के हिसाब से आएंगे, यहाँ पर इंतजार करेंगे। यहाँ पर उनकी सारी डिटेल्स जो कि पहले से मौजूद रहेंगी वो क्रॉस वेरीफाई होंगी, उसके बाद यहाँ पर भीतर दाखिल होंगे वो। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर भी कुर्सियों का प्रावधान है, हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक समय में नहीं रहेंगे यहाँ पर, और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अगर आप ज़मीन पर भी देखें तो पूरी तरीके से वो चिन्ह यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, सारी तैयारियाँ हैं। यहाँ पर जो आगे आपको दूसरा काउंटर दिखता है, काउंटर नंबर 2, यहाँ कोविन ऐप के जरिए मिलान होगा बाकी चीज़ों का। कोविन ऐप के भी ड्राई रन चल रहे हैं, उसकी भी रिहर्सल चल रही है, और इसके साथ इसके पीछे वाला जो कमरा आप देख रहे हैं जो नंबर 3 के साथ चिन्हित है, वहाँ पर वैक्सीन रखी रहेगी। जो वैक्सीन है वो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स में रहेगी, जो पीछे आप एक देख रहे हैं, और साथ ही और भी ILRs का प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है। इसी कक्ष में वैक्सीनेशन होगा लोगों का। वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सीधा यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि एंट्री का ये रास्ता था और एग्जिट के लिए उन्हें अब इस ओर आना पड़ेगा। यहाँ पर एक और वेटिंग एरिया है। यहाँ का जो वेटिंग एरिया है, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर किसी को भी वैक्सीन लगेगा, लगभग आधे घंटे के लिए उसे यहाँ पर रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा उसे पूरी तरीके से। ऑब्जर्वेशन एरिया है ये, ऑब्जर्व किया जाएगा उस पेशेंट को कि कहीं कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं उसके। और उसके बाद इसी रास्ते से आगे होते हुए वो निकलेंगे, क्योंकि कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से आने वाला पेशेंट और जाने वाले पेशेंट के बीच में कोई टकराव ना हो, तो दूसरे रास्ते से वो आगे आकर निकल जाएंगे। एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। वैक्सीन को अप्रूवल मिलने से पहले से हर जगह देखिए, ड्राई रन तो 4 शहरों में हुए केवल, और अब ड्राई रन पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं, दिल्ली में कुल 665 केंद्रों को अभी चिन्हित किया गया है। कोशिश की जा रही है कि लगभग 1000 ऐसे जगह हों ताकि बहुत तेज़ रफ्तार से वैक्सीनेशन हो सके। तो उस तरीके से सबको चिन्हित करके रखा गया है और तैयारियां पूरी हैं। यहां पर किसी से भी पूछिए वो कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, बस वैक्सीन आने की देरी है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं खबरदार। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से ड्राई रन पूरा हो चुका है, देश को वैक्सीन भी मिल गई है, बस वैक्सीनेशन शुरू करने की डेट का ऐलान होना बाकी है और वो भी जल्द ही हो जाएगा। लेकिन हर कोई एक सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्या वैक्सीन फ्री में लगेगी या इसके लिए पैसे देने होंगे? इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया है। उन्होंने बताया है कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। बाकी प्राथमिकता सूची में शामिल 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला जुलाई में किया जाएगा। यानी पूरे देश को वैक्सीन फ्री में लगेगी या नहीं, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीन फ्री में नहीं मिलेगी तो उसकी कीमत क्या होगी, इस सवाल को लेकर अब एक बार फिर से अफवाहें तेज हो गई हैं। लेकिन ऐसी अफवाहों से बचिए, हमारी ये रिपोर्ट देखिए, वैक्सीन की कीमत को लेकर इसमें वो तमाम जानकारियां हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।
दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने के बाद चेहरे पर हर्ष का भाव लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री से जब वैक्सीन का भाव पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री होगी। सर फ्री वैक्सीन की खुशखबरी सुनकर देश में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने तो फ्री वैक्सीन के लिए सरकार का धन्यवाद भी शुरू कर दिया। मोदी साहब जी के बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स मींस हमें एक हॉस्पिटल एम्प्लॉइज को पहले चुना। जिसको एक व्यक्ति को जिसके घर में हो जा रहा है उसको पूरी फैमिली उसकी इफेक्ट हुई हो रही है, तो ये वैक्सीन मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जो है लगने के बाद जो राहत मिलेगी। पूरी फैमिली ऐसे मतलब थी जिनको बहुत ही मतलब यहाँ तक कि मतलब रोना आ रहा था उनके लिए, मतलब जब ये वैक्सीन हम दे देंगे तो उनकी मतलब खुशहाल जीवन एक उनको लगेगा कि हम अब मतलब सेफ हो गए। लोग फ्री वैक्सीन की खुशी मना ही रहे थे कि फ्री वैक्सीन की बात अफवाह साबित हो गई, जिसकी रियलिटी भी खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ही बताई लेकिन ट्विटर के जरिए। तो रियलिटी ये है कि अभी सिर्फ 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को ही वैक्सीन फ्री में लगेगी। पहले फेज में बाकी 27 करोड़ आम जनता को वैक्सीन फ्री में देनी है या नहीं ये सरकार जुलाई में तय करेगी। यानी सबको मुफ्त में वैक्सीन देने के ऐलान का खंडन भी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया, जिन्होंने आज ही लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की अपील भी की है। मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनेसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देश तो वैक्सीन के लिए कब से तैयार बैठा है, अब वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन देश को ना तो ये पता है कि वैक्सीन फ्री में होगी या नहीं और अगर फ्री नहीं होगी तो कितने की होगी। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी, उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडी रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती हैं। यानी अगर केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन नहीं दी जाती तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से पैसों में खरीद कर लोगों को वैक्सीन फ्री में दे सकती हैं, जैसा कि दिल्ली सरकार ने तय किया है। चुनौती ये होगी कि क्या उसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे अपनी जोर से या ये सरकार की ओर से होगी? देखिए दिल्ली में वैसे भी किसी दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, सरकार कर रही है, बिल्कुल फ्री होगा। दिल्ली के लोग चाहें तो फ्री वैक्सीन के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों को अभी इंतजार करना होगा क्योंकि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारें भी अभी वैक्सीन की कीमत को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। जहां हमने कोरोना की लड़ाई बहुत सुचारू रूप से लड़ी और उसी तरह अब हम वैक्सीन की भी पूरी तैयारी में, हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो गई है। कोल्ड चेन में ये सुनिश्चित किया गया है कि एंड पॉइंट तक नियत टेम्परेचर पर हमें वैक्सीन उपलब्ध हो सके। में 7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, तो इसका इंतजाम भारत सरकार क्या करेगी? रहा सवाल, हमने जो कोल्ड स्टोरेज है वो तैयार कर लिए, हमने जो कोल्ड चेन है वो तैयार कर ली, इसके प्रोक्योरमेंट के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो राजस्थान में हमने विकसित कर ली। जहां तक वैक्सीन के दाम की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान से ये पता चला है कि पहला और दूसरे जो फेज में कोई इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे जैसे निर्णय केंद्र सरकार का आता है हम लोग उसी का पालन करेंगे। 5 करोड़ वैक्सीन रेडी है ऐसी हम लोगों को जानकारी थी, तो उनकी सप्लाई जैसी राज्यों में उपलब्ध हो जाएगी तो वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। 14 तारीख भी हो सकता है, उसके आसपास भी हो सकता है, कोई निश्चित तिथि नहीं। तो अगर वैक्सीन फ्री में नहीं मिलेगी तो कितने रुपए में मिलेगी, इसका जवाब सीरम इंस्टीट्यूट से बेहतर और कौन दे सकता है जिसने कोविशील्ड तैयार की है, जो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन बनी है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत सरकार को कोविशील्ड की 2 डोज 400 रुपए की पड़ेगी। आम जनता को इस वैक्सीन की 2 डोज के लिए 2,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आज तक ने पुणे में कोविशील्ड की लैब का दौरा किया था, इसी दौरान सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पुनावाला ने वैक्सीन की कीमत बताई थी। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपए में
पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी, वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दिए हैं। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1,000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा, उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब एक आदमी को लगाने तो उसके लिए 2,000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है उनको 2,000 की प्राइस देने पड़ेगी। मतलब अगर सरकार ने फ्री वैक्सीन का फैसला किया तो ठीक, वरना ओपन मार्केट में कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन के लिए आपको 2,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। देश की बड़ी जनसंख्या के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है। दिल्ली से पंकज जैन और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक और जहां कोरोना वैक्सीन किसको मुफ्त मिलेगी या नहीं इस पर माथापच्ची हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर एक नई राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह कहकर विवाद को जन्म दे दिया है कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है, लेकिन अखिलेश यादव अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी कोरोना पर राजनीति करती है। हालांकि उन्होंने ये सफाई भी दी कि बीजेपी की वैक्सीन कहने का मतलब ये नहीं कि उन्हें वैज्ञानिकों की क्षमता पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने कहा कि उन्हें बीजेपी राज में चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आप भी कोरोना वैक्सीन पर राजनीति के साइड इफेक्ट वाली यह रिपोर्ट देखिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। वाह साहब, हम सभी तो यही जानते थे कि कोरोना की वैक्सीन को दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां बना रही हैं। धुरंधर मेडिकल रिसर्चर लगे हुए हैं, कोरोना के टीके के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन वाह रे यूपी की राजनीति, समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे, भरोसा नहीं है बीजेपी की सरकार पर। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अखिलेश यादव को भी दवा कंपनियों की काबिलियत पर शक नहीं होगा, लेकिन सवाल राजनीति का है, सवाल बीजेपी की सरकारों का है। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं, ये केवल कोविड उनके लिए विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने, महंगाई इसी के सामने, बेरोजगारी इसी से, अन्याय छिपाएंगे अपना। अब जब अखिलेश यादव ने बीजेपी का टीका नहीं लगवाने का ऐलान किया तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आग बबूला हो उठे। जब अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे तो मौर्य बोल बैठे, आप तो वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वहाँ लगाने से मना करके, वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगे। जमकर बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी समाजवादी नेता की इस विशेष टीका टिप्पणी पर नाराजगी जताई। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है, अचीवमेंट है, अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है, जनता के लिए। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कोविड 19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति, ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। बीजेपी का टीका वाले अखिलेश के बयान पर राजनीतिक घमासान चल ही रहा था कि लगे हाथ समाजवादी पार्टी से MLC आशुतोष सिन्हा को अखिलेश यादव के बयान में तथ्य दिखने लगे। उन्होंने समझाया है कि वैक्सीन में हो सकता है कुछ ऐसा हो कि नुकसान हो जाए। वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हो कि नुकसान हो जाए, और
और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अब इन बयानों पर यही कह सकते हैं कि राजनीति जो न कराए। वैसे अखिलेश के बयान से उत्साहित हो गए समाजवादी पार्टियों को उनकी सफाई वाला ट्वीट भी पढ़ना चाहिए। अखिलेश ने कहा है, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठपसी पड़ रही। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। इस बीच वैक्सीनेशन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री से लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत की कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन लगता है योगी जी ने कैलेंडर में इसकी पक्की तारीख देख ली है। आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं, तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। वैक्सीनेशन राष्ट्रीय संकल्प है और टीम इंडिया की तरह इसमें शामिल होने की उम्मीद सभी से की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति के ये साइड इफेक्ट्स हैं जिससे राजनीति बच नहीं पा रही। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। वैक्सीन की राजनीति आपने देख ली, अब इसके बाद बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की राजनीति की। 4 जनवरी को एक बार फिर से किसान नेताओं के साथ सरकार की अहम बैठक होगी। इस बैठक से पहले किसान नेताओं की ओर से साफ कहा गया है कि अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों के इस तेवर के बीच में मैं आंदोलनकारी किसानों के गांव तक गई। मैंने हरियाणा के भिवानी में ट्रैक्टर से पूरे गांव की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों की आवाज आज तक पर आपने कई बार सुनी, लेकिन उनके जो अपने दूर गांवों में बैठे हैं उनके लेंस से किसान आंदोलन को समझने के लिए आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी पहुंची। आज तक की टीम ट्रैक्टर से भिवानी के गागड़वास गांव के हर कोने तक पहुंची ताकि माहौल की सच्ची रिपोर्ट आप तक पहुंच सके। नए साल की नई सुबह हो चुकी है, लेकिन किसानों की जिंदगी की नई सुबह कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे पुराने साल में ही यानी कि 2020 में सरकार ने इनकी 4 प्रमुख मांगों में से 2 मांगे तो मान ली हैं, लेकिन 2 बड़ी मांगे अभी भी ऐसी हैं जो बाकी हैं। इसी बात को समझने के लिए कि नए साल में आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब इन तमाम किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, हरियाणा के एक गाँव में हम आ चुके हैं और यहाँ पर तमाम किसान भाई मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके परिजन लगातार दिल्ली बॉर्डर पर टिके रहकर सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानिए वरना हम यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। किसान आंदोलन के बीते 1 महीने से अधिक वक्त में सरकार ने किसानों को कृषि कानून पर मनाने के लिए कई कोशिशें की है। सरकार कानूनों में बदलाव को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारियों को कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या रही, क्योंकि सरकार ने 2 मांगे तो मान ली हैं, अब एक कदम अगर उन्होंने आगे बढ़ाया है वो आपके सामने झुके हैं, तो आप लोग भी संशोधन के प्रस्ताव को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सबसे पहले तो चित्रा जी, आपके जो ये दर्शक हैं आज तक के, उनको सबको मेरा नमस्कार। जो हमारी मेन मांगे हैं चित्रा जी, MSP की खरीद की गारंटी, एक तो वो जरूरी है, और 3 ये काले कानून लेके आए हैं ये रद्द किए जाएं, हमारी मेन मांगे तो यही है, मेन मुद्दा तो यही है मैडम, वो तो थे ही नहीं इसमें। आप लोग अड़े हुए हैं ये कहा जा रहा है, क्या आपको विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है? नहीं मैडम जी, विपक्ष कोई भड़का नहीं रही है। हाँ। पेट की अग्नि भड़का रही है, भूख प्यास भड़का रही है,
नहीं, सुधार के लिए हमने सरकार को चुना था, उनके अच्छे सुधारों को मानने भी गए। अच्छा, सरकार सुधार नहीं कर रही है आपको लग रहा है? सरकार सुधार करिए, इनमें सुधारों में और सुधार की जरूरत है, और ज्यादा सुधार की जरूरत, ज्यादा सुधार की जरूरत है। कृषि कानून पर जब आर पार की लड़ाई है तो आंदोलनकारी मांगे न माने जाने पर अपने प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों की मदद के लिए गागड़वास जैसे गांवों के किसान पूरी तरह साथ खड़े हैं। कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं जो आंदोलन में किसान शामिल हैं, ताकि उनके खाने पीने की दिक्कत ना हो और राशन पानी पहुंचाया जा सके। हमारे यहाँ पे मैडम जैसे दूध है किसान के घर से, आटा है, दाल है, और सर्दी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है टेम्परेचर की, उसके लिए लकड़ियाँ हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से उसमें ट्रैक्टर में पिकअप डालना में इनमें ये सब डाल के कंटिन्यू गांव वाइज दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। अच्छा। हाँ, संयुक्त रूप से सारा सामान सब कुछ इकट्ठा करके गांव-गांव से वहां तक पहुंचाते हैं। गर्म वस्त्र वगैरह भी उनसे खरीद के वो भी पहुंचाते हैं, वहां वो भी पहुंचाते हैं। अगर बात नहीं बनती है, लंबा चलेगा आंदोलन, तो कैसे आपूर्ति होती रहेगी? उसके लिए सब तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं, सब तैयार हैं, पूरे हमले के साथ अपने किसानों की राय बटी तो नहीं है कि मतलब आधे किसान कुछ और बोल रहे हैं, आधे नहीं, सब एक है जी। किसान आज इतना आंदोलित क्यों है, ये सवाल सिस्टम को समझना होगा, भले कृषि कानूनों पर उनकी जो भी राय हो। भिवानी के गागड़वास गांव के किसानों ने आज तक के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी। किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत लगती है? हमारे यहाँ किसानों को सबसे ज्यादा, अब जैसे ये कृषि मंत्री का एरिया होते हुए भी यूरिया की दिक्कत अभी भी हमें आधार कार्ड पे लेके आनी पड़ती है, 5-5 कट्टे। अच्छा। किसान का उसमें रोजाना का परिवहन का चार्ज भी बढ़ जाता है, टाइम पे खाद कई बार मिलती भी नहीं, और दूसरी बड़ी समस्या हमारे हरियाणा में जो गौ को लेके है, किसान रात दिन उनकी रखवाली करता रहता है, कभी किसी शोर से घुस जाती है, कभी किसी शोर से, ये गौ का भी हमारे हरियाणा में एक बड़ा परेशानी का कारण है। अलग अलग हिस्सों में जाकर जो बातचीत हम कर रहे हैं उससे ये कम से कम समझ में आ रहा है कि दरअसल अभी तक सरकार तीनों कानून के मसले पर और साथ ही एमएसपी के मामले में किसानों को समझा पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमें नजर आ गईं उपले बनाते हुए, इसीलिए रुककर हमने सोचा कि महिलाओं की आवाज को भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी उस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, वो भी तब जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बार बार सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि महिलाएं और बच्चे वापस गांव में भेज दिए जाएं। लेकिन ये गांव की महिलाएं जो यहां से सपोर्ट कर रही हैं, और कुछ महिलाएं इस वक्त बॉर्डर पर टिकी हुई हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? हाँ जी, मांगे तो बहुत हैं, पर कोई तो आप ये उपले बना रहे हैं? हाँ जी, कोई ध्यान तो कौन कर रही जी, बहुत दुख पा रहे हम तो यो जमींदार में। अच्छा, कुछ फायदा तो नहीं है? कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा? नहीं जी। यहाँ इस गांव में संवाद के दौरान ये बात साफ निकल कर आई कि मुद्दा सिर्फ तीन कृषि कानूनों का नहीं, बल्कि कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत में कृषि की बदहाली का है, किसानों के संकट का है। ये पतीली या देलची जो चूल्हे पर इस वक्त गर्म हो रही है, दरअसल किसानों का मिजाज भी इस वक्त वैसे ही गर्म हो चला है, और साथ ही ये जो हुक्का आप देख रहे हैं इसकी गुड़गुड़ाहट के साथ ही अपनी दिनचर्या को तो ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात पर ये लोग अडिग हैं, वो है कृषि कानून जिसको सरकार वापस ले इससे कम पर मंजूर नहीं है। सरकार के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है, आप लोग भी मान नहीं रहे हैं, अडिग हैं। माने हमारे नुकसान होता है इससे जी, फायदा किसका है? सरकार को वापस लेना चाहिए कानून, लेना चाहिए जी। जमींदार तेरा हाल देख के मेरा जीवड़ा रोवे, पच पच के दिन रात कमावे फिर भी भूखा सोवे। गांव के किसानों की क्या मांग है, क्या डिमांड है, लगातार आप सुन रहे हैं, मोदी सरकार से नाराजगी है, और इनका ये कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते वो लगातार यूं ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 4 तारीख को एक बार फिर से किसान और सरकार होंगे आमने सामने, दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन पूरा हो चुका है, वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी जल्द से जल्द, लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई भी ढिलाई नहीं, मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।